नमस्ते डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हीना अग्रवाल इंदौर से। तो IVF सीरीज़ के अंतर्गत हम आगे डिस्कस करेंगे कि IVF किन स्टेप्स में, किन चरणों में किया जाता है। पेशेंट्स को या तो पहले से पता होता है IVF कराना है या नहीं पता होता है। जो भी समस्या हो या जो भी स्टेज हो, सबसे पहली स्टेज IVF की होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है IVF का, जिसमें हमारे स्पेशलाइज्ड काउंसलर्स पेशेंट से डिस्कस करते हैं कि IVF होना है कि नहीं होना है। अगर IVF होना है तो IVF कैसे किया जाता है, पेशेंट को किन फेजेस से गुजरना पड़ेगा, उसमें कितना समय लगेगा, IVF के दौरान क्या क्या सावधानी रखनी पड़ सकती है और IVF के दौरान कितना खर्च आ सकता है। पेशेंट के मन में जितने भी सवाल होते हैं IVF से संबंधित, वो सबसे पहले हमारे IVF सेंटर में आके हमारे स्पेशल काउंसलर से डिस्कस करते हैं और उनके मन की सारी ही चीज़ें क्लियर होती हैं। बची हुई जो चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली रिलेटेड हैं या फिर आगे ट्रीटमेंट में डिटेल डिस्कशन है, उसके बाद फिर पेशेंट्स हमसे डिस्कस करते हैं और बाकी की सारी चीज़ें फिर हम पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।